इंसान ने जब भी स्वयं को जानने की जिद ठानी तो उससे इतिहास की उत्पत्ति हुई। समय अनंत चलायमान है, मनुष्य है तो उसके कर्म भी चलते ही रहते हैं और फिर उससे उसके परिणाम भी हैं। और जब इन सब की गाथा संजोई जाती है तो इतिहास बनता जाता है। नमस्कार, मैं हूं आपके परिवार का ही सदस्य सुनील कुमार बर्णवाल। और क्योंकि बर्णवाल कुल में मेरा जन्म हुआ तो स्वाभाविक ही अपने कुल को जानने की इच्छा हुई। मेरा गोत्र गोहिल है और मेरे पूर्वज स्वर्गीय गोकुल शाह जी कहीं उज्जैन से चलकर झारखंड की धरती पर बसे तथा यहां खेती एवं व्यापार कर्म अपनाया। उनके पुत्र हुए स्वर्गीय भीम शाह, उनके पुत्र स्वर्गीय कनी शाह, उनके पुत्र स्वर्गीय मौजीलाल साहू जो अपने समय में 3 टर्म मुखिया रहे। संयुक्त बिहार प्रांत के संयुक्त हजारीबाग जिले में सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का अवार्ड पाया। गांधी जी के सहयोगी रहे, संभवतः चंपारण यात्रा के समय। ये मेरे दादाजी थे, इन्होंने विनोबा भावे जी के भूटान यज्ञ में भी काफी भूमि दान में दी। उन्होंने जमींदारी साहूकारी का पेशा अपनाया और तत्कालीन बेहतर समृद्धि खड़ी की। उनके पुत्र और मेरे पिता स्वर्गीय जितेंद्र प्रसाद बर्णवाल जी थे। हाँ, लेकिन उससे पीछे का इतिहास भी तो जानना है। हम सब मानते हैं कि प्रातः स्मरणीय महाराजा अहिबरण हमारे आद्य पूर्वज और महान इतिहास पुरुष थे। एक बड़ा सवाल, क्या महाराजा अहिबरण काल्पनिक व्यक्ति थे? 19वीं सदी के एक कुटिल अंग्रेज इतिहासकार एवं प्रशासनिक पदाधिकारी ने इनके अस्तित्व को ही नकारने की कोशिश की है। परंतु कम से कम 20 इतिहासकारों ने महाराजा अहिबरण को वास्तविक राजपुरुष, बरनपुर राज्य यानी वर्तमान बुलंदशहर का संस्थापक और बरनवाल या वर्णवाल जाति का आद्य पूर्वज माना है। निस्संदेह महाराजा अहिबरण बरन वंश या राज्य के संस्थापक थे। अनेक इतिहासकारों एवं पुरातत्वविदों के सूत्र महाराजा अहिबरण का ऐतिहासिक उल्लेख करते हैं। आइए इसको लेकर कुछ प्रमाण देखें। अनेकों वेबसाइट्स में भी इसके न्यूनाधिक उद्धरण मिलते हैं। आइए देखें।
आइए महाराजा अहिबरण की वंशावली देखें। पंडित ज्वाला प्रसाद मिश्र ने अपनी पुस्तक जाति भास्कर के पृष्ठ 324 एवं 325 में बर्नवाल जाति के विषय में कई उपयोगी जानकारियां दी हैं। महान सूर्यवंश की 25वीं पीढ़ी में सम्राट मांधाता हुए। मांधाता के दूसरे पुत्र अम्बरीश हुए, उनके पुत्र धर्मपाल, उनके पुत्र शिव, उनके पुत्र आनंद, उनके पुत्र अप, उनके पुत्र विश्व, उनके पुत्र सुदर्शन, उनके पुत्र धुरंधर, उनके पुत्र नंदीवर्धन, उनके पुत्र अशोक और उनके पुत्र फिर समाधि हुए, उनके पुत्र गुणाधि, उनके पुत्र शुभंकर, उनके पुत्र तेंदुमल हुए। राजा तेंदुमल के पुत्र राजा वाराक्ष हुए, जिन्होंने पांडवों के पक्ष में महाभारत युद्ध में भाग लिया और वीरगति को प्राप्त हुए। राजा वाराक्ष की 7वीं पीढ़ी में राजा परमाल हुए, जिन्होंने वंचती का ऊंचा किला बनवाया। इन्हीं के पुत्र हमारे आद्य पूर्वज और बरन या बरनपुर राज्य के संस्थापक प्रातः स्मरणीय महाराजा अहिबरण हुए। हमारे पूर्वज समाधि का उल्लेख श्री दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय के 37वें श्लोक में भी किया गया है। इन्हीं के दूसरे पुत्र मोहनदास की 10वीं पीढ़ी में महाराजा अग्रसेन हुए हैं, जो महान अग्रवाल वंश के संस्थापक थे। हमारे इन्हीं पूर्वज समाधि का उल्लेख महान साहित्यकार श्री भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अपनी पुस्तक अग्रवालों की उत्पत्ति के पृष्ठ 7 एवं 8 में किया है। आइए अब बरनपुर यानी बुलंदशहर की भी कुछ बातें कर लें। भारत की राजधानी दिल्ली से 68 किलोमीटर दूर काली नदी के किनारे बसा हुआ बुलंदशहर आज उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख नगर और इसी नाम के जिले का मुख्यालय है। पुराने बुलंदशहर जिले की पूर्वी सीमा गंगा नदी से एवं पश्चिमी सीमा यमुना नदी से बनती थी और इसके बीचों बीच काली या कालिंदी नदी आज भी बुलंदशहर नगर से सटकर बहती है। बुलंदशहर का ही पुराना नाम हमारे आद्य पूर्वज महाराजा अहिबरण के नाम से बरन या बरनपुर हुआ करता था। महाराजा अहिबरण की संतान होने के कारण या बरनपुर से उत्पत्ति होने के कारण उनके वंश के हम सभी लोग बरन वाले, बरनवाल, वर्णवाल, बरनवार या बनवार आदि कहे जाते हैं। बरन नाम अभी भी यहाँ के राजस्व अभिलेखों में बरकरार है। महाराजा बरन से पहले यह क्षेत्र पांडव साम्राज्य का अंग हुआ करता था, जिसकी राजधानी हस्तिनापुर थी, जो कि आज के मेरठ जिले में अवस्थित था। कालांतर में युधिष्ठिर के पौत्र परीक्षित के वंशज अधिशीम कृष्ण के पुत्र नृचक्षु के समय जब कभी गंगा नदी के विकराल बाढ़ के कारण यह नगर नष्ट हुआ, तो पुनः यह आहार राज्य के रूप में विकसित हुआ। महाभारत के समय दुर्योधन ने भीम को मारने के लिए जहर देकर उसे गंगा नदी में फेंक दिया था। यह कथा हमने सुनी होगी। वह नदी में तैरते हुए आहार गांव ही पहुंचे थे, जहां उस समय नागवंशी राजाओं का शासन था। नागवंशी राजाओं ने भीम को बचाया और ठीक किया। इसके बाद भीम हस्तिनापुर लौट आए थे। आहार को नागर ब्राह्मणों का भी निवास स्थान बताया जाता है, जिन्होंने निकटवर्ती क्षेत्र में आयोजित जनमेजय के प्रसिद्ध सर्प यज्ञ में उनका सहयोग किया था। यहाँ ईसा पूर्व दूसरी शताब्दी के सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिन पर प्रसिद्ध क्षत्रप गोमित्र के साथ बरनेय शब्द अंकित है। ये राजा अहिबरण के समय प्रचलन में थे, जिन्हें प्रसिद्ध गौपालक होने के कारण गोमित्र कहा जाता था। कनिंघम ने इन्हें बरन या महाराजा अहिबरण के वंशानुगत से जोड़ा है। यहाँ पहली या दूसरी ईसवी सदी के कुषाण काल के सिक्के भी मिले हैं। आज भी इंडो सीथियन राजाओं और गुप्तों के सिक्के शहर और उसके आसपास पाए जाते हैं। ये सिक्के लखनऊ व कलकत्ता संग्रहालय में अभी भी सुरक्षित हैं। यहाँ यह एक गौरवशाली तथ्य है कि विश्व में सर्वप्रथम गणराज्य शासन व्यवस्था हमारे पूर्वजों की ही देन है। राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है, यौधेय एक बहुत ही बलशाली गणराज्य था, जो यमुना, सतलज तथा चंबल हिमालय के बीच में अवस्थित था। इन्होंने वर्णवाल, अग्रवाल, अग्रहरी, रोहतगी, रस्तोगी आदि वैश्य मानी जाने वाली जातियों को
यौधेयों की ही संतान माना है। पाणिनि ने न प्राच्य भर्गादि यौधेयादिभ्य में इस संघीय गणराज्य का संभवतः सबसे प्राचीन उल्लेख करते हुए यौधेयादि में दो शस्त्रजीवी वीर जातियों यौधेय एवं त्रिगर्त को शामिल किया है। समय के साथ इनके साथ शिवी, कुनिंद, अम्बष्ट, मालव, अर्जुनायन, मद्रक एवं आभीर आदि गणों के भी सम्मिलित होने के प्रमाण मिलते हैं। इनका उल्लेख ब्रह्मांड पुराण, वायु पुराण, ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, हरिवंश पुराण आदि में भी है। यौधेयों के सिक्के ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईस्वी चौथी शताब्दी तक मिलते हैं। अनूप शहर से लगभग 8 मील दक्षिण पश्चिम में देवई तहसील के इंदौर, पूर्व नाम इंद्रपुरा नामक स्थान में एक ताम्रपत्र मिला है। इसमें इंद्रपुरा निवासी एक गौड़ ब्राह्मण को एक सूर्य मंदिर में नियमित संध्या दीपक आदि करने हेतु अनुदान का प्रावधान था। इसमें गुप्त काल के 146वें वर्ष यानी 465वीं ईस्वी सन का उल्लेख है, जब यहाँ हिंदू राजा स्कंदगुप्त का शासन अधिष्ठित था। शहर में 5वीं से 9वीं शताब्दी के कुछ बौद्ध अवशेष, जिसमें कुछ टेराकोटा की मुहरें और एक उत्कीर्ण मूर्ति शामिल है, भी पाए गए हैं। बरनपुर यानी बुलंदशहर से प्राप्त कुछ पुरातात्विक महत्व के उत्कीर्णित शिलालेख एवं स्तंभ आदि आइए देखते हैं। महाराजा अहिवरण का विवाह महाभारत के आदि पर्व 143वें अध्याय में जैसा वर्णित है, वारनावत नगरी यानी आज के मेरठ डिवीजन के बागपत जिले में बरनावा शहर की राजकुमारी वर्णावती से हुआ था। अपनी पत्नी के नाम से महाराजा ने नगर से बहने वाली नदी का नाम वर्णावती रखा, परंतु बाद में प्रदूषित होने के कारण नदी का नाम बदलकर कालिंदी और उसके बाद में काली नदी हो गया। महाराजा अहिवरण के पिता आहार राज्य के सूर्यवंशी राजा परमाल से पूर्व बरन क्षेत्र प्रायः घनघोर वन क्षेत्र था, जिसे उन्होंने कटवा कर अपना नगर बसाया, इसलिए इसका नाम बनछती हुआ। यहाँ राजा परमाल ने एक प्रसिद्ध किला बनवाया था जो उनकी राजधानी हुआ करती थी। बाद में इसे बरन फोर्ट कहा गया। इसी किले के मुख्य भाग को आजकल कलेक्टर बंगला कहा जाता है। इस किले के कुछ खंडहर वर्तमान जेल के उत्तर में लगभग 150 गज की दूरी पर खड्डों में आज भी पाए जाते हैं। भटोरा, वीरपुर, गालिबपुर आदि स्थानों पर मिले प्राचीन खंडहर बरनपुर की पुरातनता के प्रतीक हैं। प्राचीन मूल बस्ती का स्थल आधुनिक शहर के पश्चिम में एक बड़ा टीला है। कई स्थानों से मध्यकालीन युग के सिक्के, शिलालेख, मूर्तियां व प्राचीन मंदिरों की वस्तुएं मिली हैं, जो राज्य संग्रहालय लखनऊ में संरक्षित है। कहते हैं कि ऊंचे टीले पर होने के कारण बरन किला को ऊंचा किला या ऊंचा नगर कहा गया। इसे मुसलमानों ने फारसी में अनुवाद करके ऊंचा नगर से बुलंद शहर कर दिया। महमूद गजनी दिसंबर 1018 ईस्वी के अपने 11वें आक्रमण के समय यमुना नदी पार करके जिस किले तक पहुंचा था, उसे अलग संदर्भों में बर्मा, बर्बा, बर्दर या बरना बताया गया है, पर H.R. नेविल ने इसकी निश्चित पहचान बरन से की है। उन्होंने लिखा है कि बरन सतत कई शताब्दियों तक निकटवर्ती पड़ोसी देशों का मुख्य केंद्र रहा है। बकौल तबाकत ई नासिरी, अल्तमस भी कुछ समय तक बरनपुर एवं माथत राज्यों का शासक रहा था। सन 1295 में कुछ वर्षों के लिए बरन राज्य अलाउद्दीन फिरोज शाह का भी केंद्र रहा। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार सन 1324 में मुहम्मद बिन तुगलक जब गद्दी पर बैठा, तब उसकी अत्यधिक मांगों ने किसानों को अपनी फसल जलाकर पलायन करने को मजबूर किया। उसका सर्वप्रथम अभियान बरन की ओर हुआ था, जहां उसने स्थानीय निवासियों का
नरसंहार करके उनके सिर किले की दीवारों पर रखवा दिए थे ताकि शेष लोगों के बीच आतंक फैल जाए। जिले के बरनवाल आमिलों को भी उनके हाथों नुकसान उठाना पड़ा और उनमें से कई एक को मौत के घाट उतार दिया गया। उनमें से बरन के बरनवाल प्रमुख थे जिन्होंने बादशाह द्वारा की गई ज्यादतियों तथा सन 1344 के भयावह अकाल के कारण राजस्व एवं जजिया कर की मांग को पूरा करने में असमर्थता जताई थी, तभी बरन के बरन वालों ने संभवतः पलायन किया होगा। जिले के शिकारपुर नगर व तहसील में गौड़ ब्राह्मणों की बहुतायत है जो अपना आव्रजन बंगाल से बताते हैं। इतिहासज्ञ बताते हैं कि ये गौड़ ब्राह्मण ही महाराजा अहिबरन एवं उनके वंशज बरनवाल समाज के मुख्य पुरोहित होते थे। गौड़ ब्राह्मणों के इस कबीले के प्रारंभिक इतिहास के बारे में कोई सही जानकारी उपलब्ध नहीं है। हालांकि इंदौर ताम्रपत्र से पता चलता है कि वे यहां 5वीं शताब्दी के मध्य में बसे थे और सबसे सटीक सुझाव जनरल कनिंघम का है जिन्होंने उत्तर पूर्वी अवध से उनके बरन क्षेत्र में आव्रजन का अनुमान किया है। किसी समय बुलंद शहर के डिप्टी कलेक्टर रहे कुंवर लक्ष्मण सिंह ने लिखा है, बरन परगना के कानूनगो के पद पर अकबर के समय से लेकर 1844 ईस्वी तक बरनवाल वैश्यों का अनुवांशिक अधिकार रहा। अंग्रेज इतिहासकारों ने इस परंपरा में प्रथम कानूनगो संतोषी राय बरनवाल के वंशज संभवतः अंतिम कानूनगो सुप्रसिद्ध शीतल दास को बताया है। इन्होंने 1830 ईस्वी में नगर में अपने ही नाम से प्रसिद्ध मोहल्ला शीतलगंज बसाया था। अभी भी शीतलगंज के बड़े हिस्से सहित कई गांवों मकानों दुकानों पर उनके ही वंशजों का स्वामित्व है। बरन वंश से एक और कानूनगो हुए शेख रोशन जो औरंगजेब के शासनकाल में मुस्लिम हो गए थे। इन्होंने शेख सराय बसाया था जो आज भी मौजूद है। कुंवर लक्ष्मण सिंह ने ही लिखा है कि ख्वाजा लाल बरनी भी जो बरनवाल से धर्मांतरित मुसलमान था जिसका मकबरा बुलंद शहर से केवल आधा मील दूर है, आज भी यहां बड़ी संख्या में बरनी मुसलमान पाए जाते हैं जो वस्तुतः धर्मांतरित बरनवाल ही हैं। और अब आइए थोड़ा दर्शन कर लें बरनपुर यानी बुलंद शहर के कुछ ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक महत्व के गौरवशाली स्थानों का। यह है बुलंद शहर का रेलवे स्टेशन। यह है काला आम चौराहा। यहां ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता सेनानियों को सरेआम फांसी दी गई जिसके कारण इसे पहले कत्लेआम चौराहा कहा जाता था जो अब बिगड़कर काला आम चौराहा कहा जाने लगा है। यह है विक्टोरिया काल में बनाया गया घंटाघर। यह महाराजा अग्रसेन पार्क। यह है काली नदी और ये जलस्तर मापने के लिए बनाया हुआ जोड़ा स्तंभ। ये है ऊंचे टीले पर राजा परमाल के द्वारा बनवाए गए किले का एनिमेशन। यह है आज का ऊंचा गांव किला जिसे अब पर्यटन होटल का रूप दे दिया गया है। और यह है महाराजा अहिबरन द्वारा निर्मित बरन स्तंभ। यह है बुलंद शहर प्रशासन द्वारा महाराजा अहिबरन एवं बरनपुर की स्मृति में बनवाया गया पार्क बरन वाटिका। यह है ब्रिटिश काल का बनवाया हुआ टाउन हॉल। यह बेलोन मंदिर है, यहां पहले कभी बेल के वृक्षों का जंगल हुआ करता था। यह है अति प्राचीन भूतेश्वर महादेव मंदिर।
यह है ऐतिहासिक यक्ष सरोवर, जहां कहते हैं कि पांडवों का यक्ष से प्रसिद्ध संवाद हुआ था। और यह है कुचेसर स्थित प्रसिद्ध कुचेसर किला मड फोर्ट। यह है श्री राज राजेश्वर मंदिर। यह है माँ अवंतिका का प्रसिद्ध ऐतिहासिक मंदिर, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी जी के आग्रह पर उनका अपहरण किया था। अहार स्थित श्री गंगा जी का तट। यह है श्री कालेश्वर मंदिर। यह है शिकारपुर का 12 खंभा। यह है देवी भवन मंदिर। यह है गढ़मुक्तेश्वर। यह है श्री रामचंद्र जी का प्रसिद्ध मंदिर। यह है कर्णवास का प्रसिद्ध और ऐतिहासिक मां कल्याणी मंदिर। कहते हैं कि यहीं पर कर्ण 50 किलो सोने का दान प्रतिदिन किया करते थे। यह है सिद्ध हनुमान मंदिर। यहां हनुमान जी की स्वयंभू प्रतिमा है। यह है हमारे आद्य पुरुष महाराजा अहिवरण की कुलदेवी मां काली का ऐतिहासिक मंदिर। यहां इनकी बड़ी महिमा प्रसिद्ध है। यह है नरौना स्थित परमाणु विद्युत ताप केंद्र। काले खान का मकबरा। यह है बुलंदशहर का वस्त्र उद्योग। मिट्टी कला उद्योग, चूड़ी उद्योग, बोतल बनाने के कारखाने, कास्ट कला उद्योग। और यह है यहां का प्रसिद्ध क्रॉकरी उद्योग। पहले कैसा था हमारा बर्णवाल समाज, आइए जरा इस पर विचार करें। बर्णवाल जाति के सामाजिक व्यवहारों की चर्चा 18 या 19वीं ईस्वी शताब्दी से पूर्व बहुत कम मिलती है। श्री जोगेंद्रनाथ ने हिंदू कास्ट एंड सेक्ट्स के पृष्ठ 172 में लिखा है कि बर्णवाल समाज अच्छी संख्या में है,
पर अधिक संपन्न नहीं है। इन्होंने अपना नाम बुलंदशहर के पुराने नाम बरन से लिया है। मोहम्मद तुगलक के समय ये अपने मूल स्थानों से भगाए गए और अभी मुख्यतः इटावा, आजमगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, जौनपुर, गाजीपुर, बिहार और तिरहुत क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये सामान्यतः कट्टर हिंदू हैं और तलाक या विधवा विवाह को अनुमति नहीं देते हैं। यथासंभव ये गौड़ ब्राह्मणों को ही पुरोहित रखते हैं। तिरहुत में ये मैथिल ब्राह्मणों को भी पुरोहित रखते हैं। ये सामान्यतः अनाज व ऐसी ही जिंसों का व्यापार करने वाले कारोबारी हैं। कुछ लोग खेती में भी संलग्न हैं। इनमें बहुत कम लोग ही बड़े भूस्वामी या साहूकार हैं। उदाहरणार्थ मुंगेर के बाबू बुलाकी लाल। कुछ बरनवाल यज्ञोपवीत भी धारण करते हैं। बरनवाल जाति के लिए अनेक अन्य नामों की चर्चा मिलती है, जैसे वर्णवाल, बरनवार, बनवार, परवार, बंदरवार आदि। समाज के लोकाचारों का भी अनेक प्रकार से विवरण मिलता है। 1874 ईस्वी में बुलंद शहर के डिप्टी कलेक्टर कुंवर लक्ष्मण सिंह ने लिखा है कि अग्रवालों की तरह बरनवाल भी अपनी उत्पत्ति क्षत्रियों से बताते हैं। 1865 ईस्वी की जनगणना में उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों को मिलाकर 20,000 से अधिक आबादी इनकी पाई गई थी। कुंवर लक्ष्मण सिंह ने यह भी लिखा है कि बरनवाल जाति में ईर्ष्या भाव सामान्य रूप से पाए जाने के कारण इनके पड़ोसियों के साथ संबंध अच्छे नहीं मिलते। बरनवार समाज की 20 शाखाएं मिलती हैं। इसी प्रकार बरनवाल अथवा बंदरवार समुदायों में 36-36 बहिर्विवाही गोत्र मिलते हैं। सामान्य रूप से संपूर्ण समाज जाति की धुरी से जुड़कर रहने वाला समाज है। हमारे सामाजिक संस्कार गर्भाधान के 8वें मास में अठमासा कार्यक्रम में महिलाओं के गीतों के बीच पुरोहित पति पत्नी से गौरी व गणेश की पूजा करवाते हैं। फिर शाम में जाति बंधुओं को भोज दिया जाता है और मिठाई भिजवाई जाती है। शिशु जन्म के बाद नंदी मुख श्रद्धा संपन्न होता है, जिसमें चमारीन दाई गर्भ नाल काटती है। उसके बाद छठी और 12वें दिन बारही मनाई जाती है। इसके बाद ही सद्य प्रसूता माँ घरेलू काम में लग सकती है। इस समय पंडित द्वारा बच्चे का ज्योतिषीय यानी राशि नाम तथा परिवार के बुजुर्ग द्वारा सामान्य नाम करण किया जाता है। 1 या 3 वर्ष की आयु में बच्चे के सर के बालों का मुंडन होता है। इसके लिए किसी देव स्थल पर पहले देवता की पूजा फिर नाई के उस्तरे की पूजा करते हैं। बच्चा व माँ पीत वस्त्र पहनती है। मुंडन के बाल को बच्चे की मौसी या बुआ कुछ नेक के साथ ग्रहण करती है। संक्षिप्त भोज के उपरांत ब्राह्मणों को दक्षिणा दी जाती है। कुछ परिवारों में तभी किसी सुनार से बच्चे का कंछेदन भी कराया जाता है। 6 महीने की आयु में बच्चे के अन्न प्राशन में थोड़ी खीर एक सिक्के पर रखकर कोई बुजुर्ग बच्चे को चटाते हैं। सभी अतिथियों को भोज के उपरांत पान और इलायची दी जाती है। स्त्री शिक्षा पूरी तरह प्रचलित है। विवाह पूर्व यज्ञोपवीत यानी उपनयन की परिपाटी है। विवाह के लिए आयु निर्धारित नहीं है, पर वयस्क विवाह ही स्वीकृत है। वर या वधु मूल्य मान्य नहीं है। सामान्यतः सबों की सहमति से पूर्वायोजित यानी अरेंज्ड मैरिज, जिसको ब्राह्मण विवाह कहते हैं, वही प्रचलित है। परंतु कहीं कहीं प्रजापत्य विवाह का भी चलन है, जिसमें वधु की सहमति आवश्यक नहीं होती। बारात और धुआं पानी के बाद मड़वा में मौर पहनाकर विवाह होता है, जिसमें कन्यादान, सप्तपदी और कोहबर की परिपाटी है। कुछ मामलों में विषम संख्या जैसे 1, 3 या 5 महीने अथवा वर्ष में गौना या द्विरागमन कराया जाता है। तलाक या विधवा विवाह प्रचलित नहीं है। निसंतान दंपति अथवा विधवा द्वारा बहन या किसी निकट संबंधी की संतान को गोद लेने का रिवाज है। हालांकि शिव और दुर्गा की पूजा प्रचलित है, पर प्रायः बरनवाल वैष्णव है, अतः लहसुन प्याज मांसाहार अथवा मदिरापान वर्जित है या हेय माना जाता है। व्यक्तिगत इष्ट देव मानने की छूट है। सामान्यतः कुल देवी यानी महामाया दुर्गा जी को माना जाता है। संभ्रांत रहन सहन वाले बरनवाल समाज के लोग कमजोर जाति बंधु को आपसी सहयोग से पुनः स्थापित कर देते हैं। बरनवालों में पितृपक्ष से ये 36 गोत्र पाए जाते हैं। गर्ग, वत्सिल, गोयल, गोहिल, करव, देवल, कश्यप, वत्स, अत्रि, वामदेव, कपिल, गालब, सिंघल, आरण्य, क्राशिल, उपमन्यु, यामिनी, पाराशर, कौशिक, मुनास, कत्यापन, कौंडिल्य, पुलिश, भृगु, सर्वे, अंगिरा, कृष्णाभि, उद्धालक, आश्वलायन, भारद्वाज, कनखल, मुद्गल, यमतगिरी, च्यवन, वेद प्रमिति, सांकृत्यायन। कुछ लोग गोयन और मित्तल गोत्र भी बताते हैं। समगोत्रीय विवाह सहित दादा, नाना, परदादा, परनाना, बुआ या मौसी के वंशज अथवा पिता या माता की ननिहाल के वंशजों से विवाह वर्जित है। पत्नी की मृत्यु हो जाने पर छोटी साली से तो विवाह हो सकता है, पर पत्नी की बड़ी बहन से नहीं। अब सभी बरनवाल बंधुओं से एक विशेष अपील है। आज यद्यपि देश में अहिपरनपुर के नाम से कुछ बस्तियां हैं, जैसे उत्तर प्रदेश प्रांत में ऐसे कुल 6 स्थान अभी तक ज्ञात हैं।
इसी प्रकार बिहार प्रांत में भी ऐसे कुल दो स्थान ज्ञात हैं, जिनका नाम अहिबरणपुर या किसी न किसी रूप में अहिबरण महाराज से जुड़ा हुआ है। परंतु अब यह समीचीन है कि महाराजा अहिबरण के वंशज बरनवाल समाज के लोग बुलंदशहर नगर व जिले का नाम बदलकर अहिबरणपुर या बरनपुर या बरनकोट करने की मांग उत्तर प्रदेश शासन से अनिवार्य रूप से करें। और अंत में मैंने प्रस्तुत वीडियो के लिए इसमें प्रदर्शित अंशों सहित अन्य अनेकानेक पुस्तकों को खंगालने का प्रयास किया है। सीमित रूप से कई यात्राएं की है और वीडियो निर्माण के लिए थोड़ी मदद जुटाई है। यह सब निजी संसाधनों से हुआ है। इतिहास में अपना स्थान टुकड़ों में नहीं बनाया जा सकता, अतः अपने गौरवशाली अतीत को समुचित रूप से स्वयं जानने एवं दूसरों के सामने उद्घाटित करने हेतु एक सघन शोध प्रबंध की आवश्यकता अभी शेष है। इस निमित्त एक छोटी टोली बनाकर प्रायः एक से दो वर्षों में अनुमानित 200-250 ग्रंथों के ऑनलाइन या ऑफलाइन अनुशीलन, कलकत्ता, लखनऊ, पटना और दिल्ली के संग्रहालयों की यात्रा, ब्रज और अवध क्षेत्र के कई स्थानों का अध्ययन प्रवास, कुछ महानुभावों से भेंटवार्ता, स्तरीय वीडियो बनाने संबंधी सभी प्रकार के संसाधन और इन सबको समन्वित करके अनेक चित्रों या प्लेटों आदि से संपन्न एक लगभग 250 पृष्ठों के स्तरीय शोध प्रबंध यानी एक पुस्तक के लेखन व प्रकाशन तथा साथ ही एक ऑडियो विजुअल कंपाइलेशन की व्यवस्था करनी होगी। इसमें कहीं किन्हीं सरकारी विभागों से अनुमति आदि दिलवा सकने योग्य कुछ सरकारी अथवा गैर सरकारी सज्जनों की सहायता भी अपेक्षित होगी। एतदर्थ यदि किसी विशिष्ट व्यक्ति या एजेंसी से सहायता प्राप्त होए तो संपूर्ण कार्य में उनका सौजन्य संदर्भ दिया जा सकता है अथवा वैकल्पिक रूप से क्राउड फंडिंग से भी इसकी व्यवस्था जुटाई जा सकती है। इस दृष्टि से जो बंधु भगिनी इसके जानकार हों वे कृपया आगे आ सकते हैं। कार्य की आवश्यकता तो है, मैं चाहता हूँ कि यह कार्य व्यावसायिक गुणवत्ता के साथ संपन्न किया जाए, अतः ऐसे सभी सुचेता महानुभाव जो सचमुच इसमें सहयोग के इच्छुक हों वे कृपया मुझे संपर्क कर सकते हैं। आइए हम संगठित हों, सहयोगी हों, संस्कारवान हों, अपने देश धर्म से प्यार करें, विवेकपूर्ण परंपराओं का पालन करें, स्वाभिमानी एवं स्वरोजगारोन्मुख बने, ताकि अपने महान पूर्वजों की यश गाथा को और भी उज्ज्वल व सम्मानित बना सके। सबों को प्रणाम और जय श्री राम।